अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब तक आपको शायद ये ब्लॉग रिसीव होगा तब तक रमज़ान स्टार्ट हो चुके होंगे। अभी यहाँ के मुताबिक जो है वो परसों हमारा पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह यूएई में, और पाकिस्तान का देखते हैं कि शायद परसों हो या आगे हो। सो तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को एडवांस में रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस वक्त ये जो है वो किचन की हालत हो रही है। मैंने बर्तन तो सारे धो दिए हैं, लेकिन अब ये सारा सामान जो है ना किचन का, वो हम लोग जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो पूरे किचन की जो है क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। आज के ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं सफाई, हम लोग मतलब मैं करने वाली हूँ सफाई पूरे किचन की। और सबको पता है कि रमज़ान जब स्टार्ट होते हैं उससे पहले जो है वो पूरे घर की, किचन की, यूजुअली हमारे घरों में जो है वो डिटेल क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। प्लान तो यही है कि मैं वो करूँगी और थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रिपरेशन करूँगी। रमज़ान की मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करके रखती हूँ टू मेक वर्क ईजी। तो आज मैं थोड़ा बहुत वो काम करूँगी, और कल इंशाल्लाह मैं रमज़ान डेकोर करने वाली हूँ, तो वो व्लॉग भी जो है वो आने वाला है इंशाल्लाह ताला। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैं स्टोव को क्लीन कर रही हूँ इस डिग्रीसर से। ये स्मैक एक्सप्रेस मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है डिग्रीसर। इसको मैं जो वो स्प्रे कर देती हूँ इस पूरे स्टोव पे, और उसको मैं 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, जैसा कि उसके जो है ना बैक साइड पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है। तो बस ये काम करने के बाद, उसके बाद मैं पहले दूसरी चीज़ें वाइंड अप करूँगी, और उसके बाद वापस स्टोव पे आकर इसको कम्प्लीटली जो है वो क्लीन करूँगी। और स्प्रे कर दिया मैंने इसको, अब वेट करूँगी 15 मिनट्स का टू क्लीन इट फर्दर। इधर ये सारा सामान मैंने जो है वो लाउंज में ला के रख दिया है, ताकि किचन की अच्छी सी सफाई हो सके, सब यहाँ रखा हुआ है। 2 hours later. अच्छा जी, काफ़ी टाइम लगाने के बाद किचन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने स्टोव भी जो है वो कवर किया है फॉइल शीट से, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो है वो कॉन्टैक्ट पेपर लगाऊँ, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि मुझे लगाना चाहिए यानी इफ़ इट विल लास्ट और नॉट। तो अभी मैं बस ये चेक कर रही थी कि मैं यहाँ पे लगा के चेक करी थी कि ये चलेगा या नहीं चलेगा और लगेगा कैसा। और यहाँ पे मैंने ये जो स्टोव है इसको कम्प्लीटली पूरा फॉइल शीट से कवर कर दिया है, क्योंकि डीप फ्राइंग होती है तो यू नो बहुत ज़्यादा ऑयल के स्प्लैटर्स होते हैं। तो मैंने इवन ऊपर वाला पार्ट भी कवर कर दिया नीचे वाले पार्ट के साथ। और यहाँ पे मैं ये कॉन्टैक्ट पेपर कट कर रही हूँ पूरे किचन में जो है वो लगाने के लिए। मेरा पहले प्लान नहीं था, अभी बस ये मैंने अभी जो है वो डिसाइड किया है। मैं डीक्लटरिंग कर रही थी तो ये एक रोल मुझे मिला, तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, मे बी अगर ये एक मंथ भी रह जाए तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आई जस्ट बॉट इट वेरी चीप, मे बी फॉर 10 dirhams। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कट फ्रॉम वन हैंड एंड होल्डिंग कैमरा इन अनदर हैंड, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज। तो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। और अभी मैंने जो है वो एक इस वाले कॉर्नर पे नहीं लगाया है, वो मैं अभी लगाऊंगी कट करके बस। तो इस तरीके का ये जो है वो लग रहा है, इस तरीके का ये लग रहा है। और मैंने, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी टेपिंग करनी पड़ेगी फॉर द फाइननेस, बाकी तो आई थिंक इट्स डूइंग प्रिटी गुड। आप लोग बताएँ कि आपको कैसी लगी है ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी मेरा ओवन नहीं आया, ओवन में आसम से रखवाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ माइक्रोवेव रखे, और माइक्रोवेव भी मुझे अभी क्लीन करना है, तो वो क्लीनिंग करती हूँ। और उसके अलावा मैं थोड़ी सी कुछ रमज़ान की भी चीज़ें करती हूँ अभी। माइक्रोवेव क्लीनिंग के लिए मैंने एक बोल में पानी ले लिया है, लेमन डाल दिया है, और इसके अंदर मैं डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड करूँगी, और इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका वाइट वाला। काम तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ बच्चों की फरमाइशें भी कैटर कर रही हूँ मैं। आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड से? अच्छा जी, तो ये मैं रख दूंगी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के लिए। माइक्रोवेव जो है हो चुका है क्लीन हमारा, और मैंने सिंपल जो है वो इससे क्लीन किया है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें डिप किया, और बाकी सारा बिल्डअप लूज़ हो गया था तो वो सारा मैंने क्लीन कर लिया, बस बाहर से क्लीन करूँगी। माइक्रोवेव इज़ डन। अच्छा जी, क्लीनिंग वगैरह हो गई है किचन की, अब बस थोड़ी सी बेसिक प्रेपरेशन करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करती, बस कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, जिसमें शामी कबाब होते हैं, मेन स्प्रिंग रोल्स होते हैं, उसके अलावा मैं 3 तरह की चटनियाँ बनाती हूँ, वो मैं अभी बनाऊँगी आपके सामने, और मैं चने बॉयल करती हूँ, वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, 2-3 दफ़ा के ही करती हूँ, और
जो दही बड़े होते हैं उसकी फुलकियाँ मैं बनाती हूँ, तो बस दैट्स ऑल आई डू और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस। एक तो ये इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ, दूसरा है कि फ्रीजर में इतनी जगह भी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा फ्रोजन आइटम्स बना के रखे जाएँ, तो दैट्स माई ओनली प्रिपरेशन। सो लेट मी शो यू गाइज माई प्रिपरेशन फॉर रमादान। अच्छा जी, सबसे पहले बनाते हैं लहसुन और गार्लिक चटनी। ये जो है वो गोल वाली लाल मिर्च है, रेड बटन चिलीज जिसे कहते हैं, ये मैंने 15 से 16 ली हैं। इनको मैं गर्म पानी में जो है वो सोक करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और इसको सोक करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। अच्छा जी, मैं ये गार्लिक के जो है वो 4 से 5 क्लोव्स लूँगी। यूजुअली आई की 1/3 रेशो, यानी कि अगर 5 गार्लिक के क्लोव्स हैं तो 15 रेड बटन चिलीज होंगी। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट बैलेंस है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गार्लिक पसंद है तो आप ज़्यादा गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रेशो परफेक्ट होता है। और तो साथ साथ मैं ये सफ़ेद ज़ीरा जो है वो रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये तीनों ही चटनियों में यूज़ होता है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी क्वांटिटी रोस्ट कर ली है। और स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है ताकि जले ना, ये बात तो सबको पता ही होगी। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए। मैंने 15 बटन चिलीज लिए हैं, उसके साथ 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, और ये क्वांटिटी मैं डबल करूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और बस इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी। स्वीट एंड सिंपल रेसिपी। और ये वाली जो चटनी है ये बहुत बेस्ट रहती है पुलाव के साथ, अगर आपको स्पाइसी पसंद है, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होती है, तो ये बेस्ट चटनी है। और जी, इसका टेक्सचर देख लें, इस हिसाब से पानी डालना है कि ऐसा टेक्सचर हो, और बस इसको मैं जो वो इस जार में फिल कर लेती हूँ, और एक रेसिपी हमारी रेडी हो गई, एक चटनी रेडी हो गई। अब चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ। सेकंड चटनी मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी। ये वाली चटनी आसिम को बहुत पसंद है, और ये इमली वही है जो मैंने आपको ग्रॉसरी वाली वीडियो में दिखाई थी। इसको मैं सोक कर रही हूँ नॉर्मल वाटर में सोक करने के बाद इसके मैं सीड्स रिमूव करूँगी, और उसके बाद मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ये सारे सीड्स इसके रिमूव हो गए, ये रिमूव कर ली मैंने। काफ़ी थिक पल्प है, अराउंड 1 कप पल्प है ये, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, गार्लिक पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून गुड़। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, और ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसको चढ़ा दूँगी हल्की आंच पे चूल्हे पे। और अभी ये देखें कि इसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई है, बस ये थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा जो वो गाढ़ी होगी चटनी, और मैं इसको फिर बंद कर दूँगी, ठंडा करूँगी, और उसके बाद इसको जार में फिल कर लूँगी। ये चटनी जो है वो पकौड़ों, समोसों, रोल के साथ, उसके अलावा दही बड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें, इस तरीके से बबलिंग स्टार्ट हो गई है, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। यहीं पे आप बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ऑलरेडी थोड़ी गाढ़ी होती है, तो बस इस स्टेज पर बंद कर देंगे और इसको कूल डाउन कर लेंगे। ये मैंने इसको जो है वो फिलअप कर लिया जार में। जी, ये यहाँ पे जो है वो धनिया पुदीना मैंने निकाल लिया है ग्रीन वाली चटनी के लिए, और मैं अराउंड फुल गड्डी लूँगी धनिए की और हाफ गड्डी लूँगी पुदीने। अच्छा जी, ये धनिया पुदीना हमारा हो गया है, इसको बस वॉश करके अब मैं जाऊँ वो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके चटनी जो है वो पीसती हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं दिखाने भूल गई, मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन और लेमन जूस, नमक और ज़ीरा, जो भुना था ज़ीरा, वो वाला ज़ीरा, और दैट्स इट। बस ये चीज़ें डाली हैं मैंने, पानी डाला है, आइस क्यूब्स डाले हैं और इसको ब्लेंड कर लिया है। और आइस क्यूब्स की ये टिप होती है कि उससे जो है वो चटनी का कलर ख़राब नहीं होता, तो अगर आप पानी की जगह आइस क्यूब्स डालेंगे तो कलर वो देर तक रिटेन करेगी, तो ट्राई करें, ये टिप बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, मैंने हरी मिर्च भी डाली है, सॉरी। और बस ये चटनी रेडी हो गई है, इसको हम लोग फिल करेंगे जार में। इसके लिए कोई वेट नहीं करना, जिसके लिए मैं इसको जो है वो जार में फिलअप करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो ना काले वाले चने भिगो रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 कप मैं भिगोऊंगी, और इनको वॉश कर लिया, भिगो दिया। इसके अंदर मैं अराउंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, और बस इसको भिगो के मिक्स करके मैं रख दूँगी ओवरनाइट। बॉयल मैं इसको कल करूँगी, बॉयल करती हूँ मैं अपने प्रेशर कुकर में, और वो मैं कल करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें बनाने लगी हूँ दही बड़ों की फुल्कियाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप बेसन है, इसको मैंने छान लिया है, और मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वाइट वाला ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी इसके अंदर। चलें जी, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, बाकी सारी चीज़ें 1/2 टीस्पून, और सिर्फ एक बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको ब्लेंड करना है। मैं मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। मिक्सर से जो है थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा फाइन हो जाता है। तो ये देखें, ये हो चुका है मिक्सचर रेडी और ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है। ना ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो आपने इसी तरीके से चेक करना है चम्मच से उठा के कि थोड़ी देर में ड्रॉप हो। ये मिक्सचर को 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं और तब तक मैं चिकन बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन जो है वो कुकर में डाला हुआ है। इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये चिकन जो है वो अराउंड 10 मिनट्स में बॉईल होगी। तब तक मैंने ये पेपर टॉवल लगा दिया है छन्नी में। ये हमारा मिक्सचर है और साथ में यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है कढ़ाई में। तो फुलकियाँ मैं बनानी स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट बैच जो है वो कढ़ाई में चला गया है। साइज़ आपको इतना रखना है क्योंकि फिर पानी में सोक होने के बाद ये डबल ट्रिपल साइज़ की हो जाती हैं, तो मैं इतना साइज़ रखती हूँ। और बस आपको फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखना है। साथ साथ आप अपनी जो अपना स्ट्रेनर है उसको ऐसे हिलाते रहें ताकि कलर इवन हो और ये आपस में स्टिक ना हो। बस इसका अच्छा सा कलर आने तक इसको जो है वो फ्राई करेंगे एंड दैट्स इट। ये फर्स्ट बैच जो है वो बाहर आ गया है। इस तरीके का कलर होना चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए। और ये देखें, ये अंदर से भी फुली जो है वो कुक्ड हैं। अगर आप जो है वो हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस ये अभी ठंडी होंगी तो मैं इनको जिप लॉक बैग में स्टोर कर लूँगी। ये जी मैंने जिप लॉक बैग में डाल दी हैं। इस तरीके से मैं 2 या 3 जो है वो बैग्स बनाऊँगी और ये जाएंगे मेरे फ्रीज़र में। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये हैं वो चने जो मैंने रात में भिगोए थे और अभी बस मैं ये पानी डिस्कार्ड करके इसको बॉईल करूँगी इंस्टेंट पॉट में। देखें जी, ये मैंने जो है वो प्रेशर कुक किए हैं इंस्टेंट पॉट में फॉर 10 मिनट्स एंड दे आर कम्प्लीटली टेंडर। देखें जी, ये हो चुके हैं, मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। ये देखें, कम्प्लीटली टेंडर, इट्स अ लिटिल हॉट। तो अगर आपने ओवरनाइट सोक किया है बेकिंग सोडा के साथ तो अराउंड जो है वो 10 मिनट्स में ही कम्प्लीटली टेंडर हो जाते हैं इंस्टेंट पॉट में। ओके गाइस, तो ये थी हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के दिन मैं अपने बस थोड़े बहुत छोटे मोटे काम वाइंड अप करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे कल पहला रोज़ा होगा तो रात में हम लोग रमज़ान डेकोर करेंगे अपने लाउंज में। तो नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है रमज़ान डेकोर का। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.